कैसे हैं सर यू आप, सो मच। और क्या क्या किस तरीके का रिस्पांस आया अभी तक मिशन रानीगंज को, क्या क्या सुनने को मिल रहा है आपको? यार सुनने को तो काफी अच्छी चीजें मिल रही है कि फिल्म अच्छी है, फिल्म में स्पिरिट है, फिल्म में एक जज्बात है राइट राइट और एक हीरोइक फिल्म है और काफी क्लिफहैंगर मोमेंट भी है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। राइट राइट तो सर हाँ मतलब जो डायरेक्टर हैं उनसे मतलब आपकी मुलाकात कैसे हुई और किस तरीके से आप ऑन बोर्ड आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में अगर यार कुछ बताएं आप। एक्चुअली बहुत साल पहले टीनू देसाई ये फिल्म बनाना चाह रहे थे, उस जी टाइम भी हमारी बात हुई थी और मैं ऑन बोर्ड आ गया था, लेकिन उस टाइम कुछ कारणों से ये फिल्म बनी नहीं। फिर दोबारा जब इस फिल्म का काम शुरू हुआ, जी इस फिल्म का काम शुरू हुआ तो शुभम करके मेरा एक दोस्त है जो एक कास्टिंग डायरेक्टर है, तो जी जी शुभम का फोन आया था। शुभम कह रहे थे सर एक फिल्म है ऐसी और आप करेंगे सर, क्योंकि डायरेक्टर चाहता है कि आप करें जी ये काम। तो फिर हाँ मैंने कहा कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छी फिल्म बन सकती है, राइट और ये बहुत साल पहले मैं इसके साथ जुड़ा हुआ भी था, तो जी। लेट्स डू इट नाउ। राइट राइट और सर अगर पीछे जाएं मतलब मैं फिल्म के बारे में तो चलिए हम बात करते ही हैं, बट मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपका जो एक 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 करियर है, एक जो लाइफ है आपकी, आप कैलकटा से बिलोंग करते हैं, एम आई राइट? तो वहां जी पे मतलब आप कितने साल उधर रहे और फिर आपका बम्बई आना कब हुआ, मतलब वहां कैलकटा में आपने कितने साल बिताए हैं वैसे? यार कलकत्ता से मैं बचपन से, हम पैदाइशी कलकत्ता से हूँ मैं, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कलकत्ता। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मतलब मेरी सिस्टर सब उधर ही रहते हैं, जी और एंड मैं 1994 में मैं कलकत्ता छोड़ रहा हूँ। जी 1994 में मैं एक्चुअली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया एज अ राइट स्टूडेंट, जी एंड देन 94 to 97 स्टूडेंटशिप रहा। फिर 97 to 2000 मैं एज एन एक्टर बतौर एक्टर काम करता रहा निजी रेपर्टरी कंपनी में। फिर राइट तो राइट 2000 साल में मैं बिल्कुल मुंबई आ गया। राइट तो हाँ जी तो सर जैसे आप जब कैलकटा में रह रहे थे तो उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है उस जगह पे रहने का और उस कल्चर का आपके ऊपर जो इफेक्ट रहा होगा वो किस तरीके का रहा, क्योंकि अगर कैलकटा की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में वैसे भी उसको एक बहुत ऊपर दर्जा माना जाता है उस जगह का, तो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बचपन से ही किस तरीके का रहा, मतलब किस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपके अराउंड थे, आर्ट को लेकर के आपकी फैमिली में क्या बातें होती थी उस टाइम पे, किस तरीके का माहौल था, आपके अंदर वो चीज कैसे इम्बाइब हुई? यार एक्चुअली क्या है ना कि कलकत्ता एक, ऑफ कोर्स आपने जो कहा है कलकत्ता आर्ट एंड कल्चर का शहर है, जी और कलकत्ता में जितने भी जैसे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जगह है, जी टैगोर की जगह है, उधर जो आप म्यूजिक लेजेंड्स सारे उधर से पैदा हुए, लिटरेचर राइट थिएटर सिनेमा, तो ऑफ कोर्स कलकत्ता बहुत वाइब्रेंट है कल्चरली, बिलोंग करता हूँ। और उस फैमिली में मैं बचपन से एक्चुअली मेरे मेरे ताया जी थे, एक वो थिएटर भी करते, वो थिएटर तो यात्रा करते थे, देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड यात्रा, कलकत्ता जी में यात्रा फॉर्म है जो बंगाल में है, जो फारसी थिएटर जैसा एक फॉर्म है जो काफी लाउड थिएटर राइट है। उसके अलावा मेरे एक मेरे और एक चाचा नुमा थे, वो थिएटर करते थे। बचपन से एक्चुअली मुझे थिएटर में जाके मतलब बच्चों का, अगर चाइल्ड कोई बच्चों का पार्ट होता है तो फिर मेरे को रात को सजा के लेके जाना, राइट और उधर मतलब शो चल रहा है मैं नींद में हूँ ऐसे भी शो किया मैंने, मुझे फेंटली याद है। फिर जी मोहल्ले में प्लेज और स्कूल में प्लेज, तो ऐसे करते हुए एक कल्चर तो था ही। ऊपर से जैसे आपने कहा कि कल्चरल फ्रंट कलकत्ता का काफी स्ट्रांग है, तो एक और चीज है जो मतलब कलकत्ता में कि संगीत और जी तबला ये बहुत ही हर एक घर में होना चाहिए टाइप्स, जी तो जी हर एक घर जी में हारमोनियम या तानपुरा होना चाहिए और एक तबला होना चाहिए। राइट किस तरीके से मैंने भी तबला सीखा है, मैंने भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत गाना भी सीखा है, मेरी मेरी बहन जो है वो कथक डांसर थी, तो बहन के साथ कोई कथक में अगर संगत करने के लिए जी अगर कोई जी मास्टर
बुलाना पड़ेगा तो एक्सपेंसिव पड़ेगा, इससे बेहतर है अपना बेटा ही क्यों ना सीख ले। राइट राइट तो कैसे कलकत्ता में बहुत सारी चीजें थी और तो माहौल तो वैसे ही था जी ऑफ कोर्स। हालांकि मेरे घर में इतना कल्चरली इतना डेडिकेटेड इतना सब पूरा आर्ट एंड कल्चर में आ जाने वाला कोई नहीं था, ओके जी लेकिन लेकिन कभी किसी ने घर में रोका नहीं है। हालांकि मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिला, मेरे राइट राइट पिताजी, मेरे मम्मी, मेरी बहन, तो हमेशा सपोर्ट और एक उनका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस। आज के तारीख में मेरी मेरे जो परिवार है, मेरी बीवी बच्चे, तो ये सबका एक मतलब एक कल्चरल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लिहाज था, लेकिन सबने काफी सपोर्ट किया और फिर मैं कंप्लीटली बाकी सारी चीजों से निकल के एरिया में आ गया। राइट राइट और सर पढ़ाई में कैसे थे, मतलब जब स्टार्टिंग में बचपन में आप, तो उधर पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा रहता था आपका या नहीं रहता था, उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इन सब चीजों में आया, या वहां भी बैलेंस आउट था एक तरीके से? नहीं ऐसा नहीं था, पहले शुरुआत में बहुत बैलेंस आउट था, काफी जी जी बैलेंस आउट था, काफी काफी चीजें ढंग से होती थी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था। मतलब वो फिर ऐसा लग रहा था कि मैं फोकसलेस एजुकेशन में घुस गया था। मतलब अब मुझे पता नहीं क्या करना है तो हायर सेकेंडरी कर लो, हायर सेकेंडरी के बाद पता नहीं क्या करना है तो ग्रेजुएशन तो कर ही लो, राइट ऐसे फोकसलेस था मामला। और लेकिन फोकस तब से पैदा हुआ जिस दिन एक्चुअली मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए जाने के लिए द फर्स्ट क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन, देन राइट 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 आई क्लियर माय ग्रेजुएशन एंड देन आई ऑप्ट फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन सर जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मतलब फोकस उतना नहीं था, कभी कुछ कर लिए कभी कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड आप जैसे बता रहे हैं कि फोकस नहीं था, कभी ये कर लेता था कभी कुछ कर लेते थे, बट ये अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं रहती होगी कि मुझे कुछ करना है, मतलब ये बहुत एक छोटी उम्र से आपके अंदर आ फोकस गया था। फोकस एजुकेशन को लेके कुछ नहीं था, मतलब राइट फोकस बाकी चीजों के लिए, बाकी चीजों के लिए जब मैं क्लास 10th के बाद जब मैं 11th 12th भी कॉलेज में किया मैंने, तो जी उस टाइम मेरा मॉर्निंग कॉलेज होता था और मैं मॉर्निंग कॉलेज के लिए सुबह 6 बजे निकल जा रहा था और सारा दिन कॉलेज के बाद मैं किसी और थिएटर ग्रुप में नाटक करना, किसी और थिएटर ग्रुप में डायरेक्ट करना, ऐसे 3 थिएटर ग्रुप में काम करके अपना म्यूजिकल ट्रूप भी था वो काम करके, मैं कल जो एक हम लोग एक जैसे कि बोलते थे लिटिल मैगजीन चलाते थे, वो जी मैगजीन का भी काम करते थे, मतलब सारी चीजें करके मैं रात को थक हार के 10:30 11 बजे रात को घुसता था, सो जाता था खाना खाने। जी जी सो जी ये मेरा हर रोज का रूटीन था। ओके तो फोकस मेरे एजुकेशन में गायब हो गया था लेकिन मेरा कल्चरल फ्रंट बहुत स्ट्रांग हो गया था। मतलब मैं दिन भर या तो थिएटर कर रहा हूँ, या तो किसी का कुछ काम कर रहा हूँ, या तो म्यूजिक का कुछ काम कर रहा हूँ, या तो आर्ट का कुछ काम कर रहा हूँ, तो वही चलता रहता है। तो इसके पीछे भी, ये सारे आर्ट से रिलेटेड काम करने के पीछे भी क्या कुछ ऐसा एक फिलॉसफी आपके अंदर थी कि मुझे कुछ चाहिए लाइफ से, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं या क्या मुझे करना है, या सिर्फ एक वो एक टर्न ऑफ इवेंट्स की तरह था कि हो रही थी चीजें तो आप कर रहे थे, या आपके अंदर ये बैक ऑफ द माइंड रहता था कि मुझे यार कुछ ढूंढना है लाइफ में, या मैं कुछ करना नहीं चाहता नहीं हूँ कुछ ऐसा मीनिंगफुल? ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, वो सारी चीजें बिल्कुल मेरे लिए नए थे, नयापन था, करने जी में बड़ा मजा आता था। और सबसे बड़ी बात है कि आर्ट का सबसे मनी इज अ बाई प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग इज अ बाई प्रोडक्ट, आपका मेन मोटिव फोर्स होता है एप्रिसिएशन, तो राइट एप्रिसिएशन मिलता रहा और मैं करता रहा। राइट राइट और फिर जब 94 में आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपका एडमिशन हुआ, तो वो कितना ड्रास्टिक चेंज था आपके लिए, क्योंकि आप कैलकटा में रह करके वहां का एक एक्सपीरियंस आप इतने टाइम से लेकर के आ रहे थे वो पूरा कल्चर का, और फिर जब आप यहाँ पे जब आप आए तो कितना चेंज था दोनों जगह की मतलब एनवायरनमेंट में आपके लिए, और आपको क्या आसानी हुई वहां पे अपने आप को ढालने में? मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, आसानी मतलब आसान तो पता नहीं क्या है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कि मैं तो फोकस था ऑलरेडी मुझे, और मैं तो इसी के लिए ही ट्राई कर रहा था कि मुझे नेशनल राइट स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है। तो मैं उससे पहले ही मतलब मैं हबीब साहब का रेट्रोस्पेक्टिव देख चुका था कलकत्ता में, कलकत्ता में नेटुआ होली प्ले भी
जी आया था, मैं वो भी हिंदी रंगमंच देख चुका था और हबीब साहब को पूरा रिट्रोस्पेक्टिव देख चुका था। तो मुझे पता था कि मैं कौन से कल्चर में जा रहा हूँ और कौन सी चीजों में, क्योंकि मैं जानता था, मैं चाह ही रहा था कि मैं बंगाल से निकल के थोड़ा नेशनल लेवल में फंक्शन करूँ और एक्ट करूँ, ताकि मैं कल ये देख पाऊँ कि मध्य प्रदेश का लड़का क्या क्या कर रहा है, महाराष्ट्र का, यूपी का, बिहार का, मणिपुर का, केरला का, वो सारी चीजों का कल्चरल सिंथेसिस हो मेरे साथ। तो मैं तो वो तो मेरा सोची समझी, मेरी सोची समझी चीजें थी, मतलब जो मैं चाह रहा था कि वही कर रहा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। लैंग्वेज भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज मैं फोनेटिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ज्यादातर हिंदी गाना गाता था बचपन में, जी तो मुझे हिंदी हिंदी शब्दों के साथ रूबरू होना, ये वाकिफ रहना, ये सारी राइट चीजें होती। हाँ, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि उच्चारण में कुछ प्रॉब्लम होती थी, जिस तरीके से उच्चारण किया जाए, मात्राओं का ज्ञान जो है जी 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 हिंदी हिंदी में, फिर अपना ये सारी चीजें वो धीरे धीरे एडप्ट किया मैंने। फिर मैंने, क्योंकि अगर मुझे थिएटर करना ही है हिंदी में, सो वाई नॉट एडप्टिंग द लैंग्वेज, बिकॉज वाई नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, वाई नॉट अंडरस्टैंड द फोनेटिक्स ऑफ द लैंग्वेज। राइट तो राइट फिर राइट मैंने वो न्यूज़पेपर चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, ये सब कुछ करना, वो सारी जो अपने जो एडेप्टिबिलिटीज के लिए जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ क्या मतलब। राइट और सर, जैसे आपने बताया कि ये बहुत जरूरी था आपके लिए कि मध्य प्रदेश में कोई रहने वाला अगर बच्चा है उसकी लाइफ को समझना या एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे चीजों को समझना, ये कितना जरूरी होता है एक एक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर को पकड़ने के लिए या किसी भी इंसान की साइकी को समझने के लिए जिसको वो प्ले कर रहा है, कितना जरूरी है ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ में जुड़े रहना? यार बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टर एक्टिंग एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, कनेक्शंस टू द नेचर, कनेक्शन टू द लाइफ। राइट तो बिकॉज अगर बोला जाए कि आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, राइट तो अब लाइफ में जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना अच्छा आर्ट होगा। राइट 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 और जब जैसे सर आपने बताया कि 94 में आप जब इधर आए थे, मतलब जगह के डिफरेंस के बारे में अगर मैं आपको बोलूं, ये तो आपने बताया कि आप तैयारी थे उस चीज के लिए, बट एक वहां का एक कल्चर है कलकत्ता का और दिल्ली, इधर जब आप आए होंगे इधर का जो कल्चर है उसमें आपको चेंज क्या लगा और किस तरीके से डिफरेंस है मतलब दोनों जगह के कल्चर में? यार कल्चर में कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा है, मैं कहूंगा कि मुझे क्लाइमेटिक डिफरेंस बहुत ज्यादा लगे, बिकॉज दिल्ली बहुत ड्राई है, कलकत्ता बहुत ह्यूमिड है, राइट और दिल्ली में बहुत देर तक लाइटें रहती थी। पहली बार मेरे को देखे, मैंने देखा कि 7-8 बजे तक लाइट है, रोशनी है जी और एक उजाला है, और जो मेरे को समझ में नहीं आता था कि कैसे होगा, क्योंकि 5 बजे तक कलकत्ता में डार्क हो जाता है, बिकॉज कलकत्ता इज ईस्ट, जल्दी सुबह जल्दी होती है, शाम जल्दी हो जाती है। फिर उसके बाद क्लाइमेट, कल्चर तो इन द सेंस हम मंडी हाउस में रहते थे, हमारा हॉस्टल भी मंडी हाउस में था, तो कल्चर तो ऐसा दिल्ली का कल्चर देखने वाले देखना तो कुछ मिलता था नहीं, बिकॉज हम लोग जहाँ रहते थे वो काफी ब्यूरोक्रेटिक, काफी सेंट्रलाइज एरिया में दिल्ली में जी रहते थे। जी 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 बाद में जब मतलब दिल्ली में जब मैं अपने आप से रहने लगा हूँ, तब कल्चर वल्चर से मुखातिब हुए हम। अदरवाइज सेंट्रलाइज एरिया में कोई कल्चर तो दिखता नहीं था, तो एवरीथिंग मतलब 24/7 तो स्कूल में ही रहते थे राइट एक्चुअली। राइट नेशनल राइट स्कूल ऑफ ड्रामा में हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर ही था 24/7, मतलब राइट हम कभी भी रिहर्सल में जा सकते थे, कभी भी क्लब, कभी भी टीचर्स रात को 2:30-3 बजे टीचर्स आके विजिट कर भी जाते थे, कि देख के जाते थे कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। जी 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 तो कल्चर कल्चर से ज्यादा क्लाइमेट मुझे, इससे ज्यादा उसका, ड्राई दिल्ली, काफी गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब जो गर्मी कलकत्ता में आप कभी सोच ही नहीं सकते, वो गर्मी उतनी ड्राईनेस के साथ, लू चलने वाली गर्मी, ऊपर राइट से जब ठंड होती है, बाप रे तो बाप, ठंड भी इतनी खतरनाक है, जबरदस्त ठंड होती है, खतरनाक, हर नाक से साल खून रिकॉर्ड निकल टूट जाते जाता है थे, सर ठंड का, तो हर साल रिकॉर्ड टूट हर रहा साल अगर टूट जाता है। तो वो है। सारी चीजें बिल्कुल। और लेकिन और एक चीज जो है कि बिकॉज कलकत्ता में जहाँ रहता था मैं, वहां से जब मैं थिएटर ग्रुप बहुत दूर होता था, तो मैं ट्रैवल करके आता था कलकत्ता में, जी मैं बहुत आउटस्कर्ट ऑफ कलकत्ता में, मेरा नया घर जो है एंसेस्ट्रल घर मेरा कलकत्ता का टूट गया था,
अच्छा टूट गया था, अच्छा मतलब वो अपना प्रोमोटर्स ले लिए थे, वो सब बिल्डिंग ओ बिल्डिंग बन गई वो, अच्छा बिकॉज इट वाज एन एंसेस्टर हाउस, तो नो बडी एक्चुअली टुक केयर ऑफ दैट हाउस, सो एवरीबडी सोल्ड दैट हाउस। तो राइट उसके बाद मेरे पिताजी, जहाँ पिताजी ने जहाँ हमने नया घर बनाया था वो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता में, वो उसके आसपास खेत खलिहान, राइट तो काफी दूर चले गए थे, तो वहां से कम्यूट करना मेरे को रियल मेन कैलकाटा में काफी एक प्रॉब्लम होती थी। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि अगर दिल्ली में बोला जाए, तो दिल्ली में कोई दिल्ली, अभी तो दिल्ली में ये सारे रिंग रोड्स ये अच्छे रास्ते बन गए, लेकिन एक जमाना था कि दिल्ली में अगर कोई बोले कि मैं नोएडा से आ रहा हूँ, तो वो बोला जाता था कि भाई 5 बजे तू घर चला जा, हाँ जी हाँ नहीं जी तो तू पहुंच ही नहीं, तो आज तू पहुंच ही नहीं पाएगा। जी 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 तो वैसा था मेरा जिस टाइम, राइट तो दिल्ली में जब मैं आया, दिल्ली में बिकॉज ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड द प्रॉक्सिमिटीज, तो सारी चीजें मेरे इर्द गिर्द आस पास, मतलब मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ सारी लाइब्रेरी जा सकता हूँ, आस पास लाइब्रेरी है, कल्चरल सेंटर ये सेंटर, ये एम्बेसी वो एम्बेसी, सब कुछ राइट आस पास है, ये थिएटर ऑडिटोरियम, और तो कल्चर से बिल्कुल घिरा हुआ था। तो वो एक बहुत वाइब्रेंट सा टाइम भी था लाइफ का, मतलब और जी, और कौन कौन तीन लोग साल उस अगर टाइम पे आपके आसपास में थे सर, जब आपने एडमिशन लिया था? मेरा बैच था, मेरे बैच में मेरे मेरे बैच किस मेरे बै, मैं जब 94 में एडमिशन लिया, तो मेरा दो सीनियर बैच थे मेरे ऊपर, जी मेरा थर्ड ईयर में अतुल कुलकर्णी वाला बैच था, राइट राइट अतुल कुलकर्णी वाला बैच था मेरा थर्ड ईयर में। मतलब मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसा नाम लेना पड़ता है कि जो एक्चुअली लोग जिनको पहचान है, अदरवाइज जी जी अदरवाइज जी सबके नाम लेना चाहिए बैच वाले के, तो राइट राइट बिकॉज सारे सारे धुरंधर थे। तो वो अतुल अतुल वाला एक बैच था, उसमें काफी लोग थे वो फाइनल ईयर में, और मेरा सेकेंड ईयर वाला बैच था नवाज स्वानंद वाला, जो मतलब पॉपुलरली जी जो नोन है, तो वो एक वो सेकेंड वो मेरा सेकेंड ईयर था, और हम फाइनल हम फर्स्ट ईयर में आए हुए थे, राइट और और जो सिखा हमारे रहे लिए थे? जो सिखा रहे थे उसमें कीर्ति जैन थी, बहुत दिग्गज दिग्गज जी प्रोफेसर मिले हमको लाइफ में, राइट रॉबिन दास, देव महापात्र दा, अः अपना एच वी शर्मा, बहुत जी बहुत कमाल कमाल के, मतलब पंचानन पाठक, मोहन उपरेती, अगर आप म्यूजिक फील्ड में हैं तो जी पंचानन पाठक का नाम सुना होगा, मोहन उपरेती जी, ये लोग ये सब बाबा कारण, तो बहुत दिग्गज लोगों के साथ हम रूबरू हुए, जी प्रोफेसर मोहन महर्षि, तो काफी स्टॉलवर्ड्स पढ़ाए हमको, जी 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 तो कोई लकी अवार्ड है। हाँ तो सर, जैसे एनएसडी में जो जैसे पढ़ा, मतलब मुझे तो उतना एक्सपीरियंस, मतलब मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज का, बट जैसे आप वहां गए तो जो पढ़ाया जाता है वहां पे, जिस तरीके की ट्रेनिंग होती है, उसमें एकेडमिक पढ़ाई का कितना, मतलब किस कितना पोर्शन होता है, और जो प्रैक्टिकली जो सिखाया जाता है उसका कितना पोर्शन होता है, मतलब किताबें कितनी पढ़नी पड़ती हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर कितना जोर दिया जाता है वहां पे? यार किताबें तो आपकी मर्जी, किताबें जितनी मर्जी पढ़ लो वो कम है, और जी ऊपर से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो सब कुछ प्रैक्टिकल ही होता था, एक्टिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, बट द थिंग इज दैट आप बिकॉज आपको आप एक यूनिवर्स एक आपको स्ट्रक्चर के अंडर में है, आपका एग्जाम सिस्टम भी है, तो आपको थियोरीज भी पढ़ना पड़ता था, तो थियोरीज आप थियोरीज भी पढ़े, थियोरीज पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि जो आप कुछ कर रहे हैं जी वो कितना जायज है, उसके पीछे साइंटिफिक चीजें भी क्या है राइट ना। तो आप मच्छी, आप घर में मच्छी तो हर रोज फ्राई करते हैं, तो लेकिन मच्छी जब आप फ्राई करते हैं तो उसका वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है, उसका वो केमिस्ट्री में सिखाया जाता है, राइट लेकिन अब राइट जब राइट केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको पता चलता है कि मच्छी फ्राई अच्छा हो ऐसा हो रहा है, हाँ तो वही सारी चीजें होती है। जी। और सर जैसे थिएटर की बात करें, मैं अभी पिछले इंटरव्यू में किसी से बात कर रहा था, कोई एक्टर हैं, तो उनका भी थिएटर के साथ में, मुंबई से हैं तो थिएटर के साथ में एक बड़ा उनका एक 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 रिलेशन रहा है, बट उन्होंने बोला कि एक टाइम के बाद में ना थिएटर के साथ में जुड़ा नहीं रह पाया लंबे टाइम तक, और उनका रीजन ये था कि क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है इंडिया के अंदर थिएटर में, और सिनेमा को उस तरीके से देखा जाता है। आपको क्या लगता है, मतलब कि थिएटर में और सिनेमा में इतना डिफरेंस क्यों है? ये पब्लिक की वजह से ही है बेसिकली अगर देखा जाए तो।
यार क्या है ना कि थिएटर थिएटर कम है, देखो थिएटर कम होता है, थिएटर बहुत नीच मीडियम है और थिएटर माउंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, थिएटर के इतना रिव्यू जनरेशन नहीं होता है, और सिनेमा जो है सिनेमा देखिएगा आप एक 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 प्रिंट बनाने के बाद पूरे नेशनल लेवल में रिलीज कर सकते हैं और हर रोज आप उसको दिखा सकते हैं, तो उसको जी वो वन टाइम पेमेंट, वो वन टाइम मनी एक्सपेंडिचर है, वो तो बार बार राइट एक्सपेंडिचर नहीं है, वो सालों साल आपको फिर पैसा देता ही रहेगा। थिएटर राइट है, थिएटर एवरी डे आपको पूरा सब कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, तो वो थिएटर एक्सक्लूसिव हो जाता है, इसलिए थिएटर थिएटर उस तरीके से देखा जाए कि एक एक्सपेंसिव सब प्रोपेगेंडा है और राइट वहां से कोई रिटर्न नहीं है, तो और थिएटर आपको रिटर्न थिएटर आपको पैसा नहीं देता है, और थिएटर आपको पैसा नहीं देता है तो आप बहुत लोग जो है लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए फिर देन ये करना पड़ता है कि बैंक में नौकरी कर लो पार्ट टाइम थिएटर कर लो, राइट राइट और वो तो है नहीं, हम तो ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली है, राइट हमको तो बिल्कुल यही इसी से ही कमाना है, इसी से ही सब कुछ करना है, तो जी ये हमारा प्रोफेशन है, तो ऑफकोर्स सिनेमा करेंगे क्योंकि राइट राइट सिनेमा राइट में ज्यादा काम है, सिनेमा में ओटीटी है, सिनेमा में टेलीविजन है, मीडिया जी है ना सब, तो राइट राइट शॉर्ट फिल्म है, ये फिल्म है, वो फिल्म है, तो बड़ा मीडिया है, तो इसलिए थिएटर के साथ जुड़े रहना, हाँ थिएटर के साथ जुड़े रह सकते हो, लेकिन थिएटर से सिर्फ थिएटर करके सर्वाइवल करना आई थिंक बहुत कम लोग कर सकते हैं, मतलब देन यू हैव टू हैव लाइक नो सम रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। राइट और सर, जैसे आपने ओटीटी की बात करी और ओटीटी के आने के बाद में बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आया है मूवी मेकिंग में, सिनेमा में, फिल्म्स के अंदर, और बहुत से ऐसे एक्टर्स जिनको मास लेवल पे शायद उतनी पॉपुलैरिटी नहीं भी मिलती या नहीं लोग उनको जानते, बट ओटीटी के आने की वजह से उन सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट को और उन सारे लोगों को जाना जा रहा है। बट आपको क्या लगता है कि ये भी एक रिपीटेटिव साइकिल होने के बाद कुछ टाइम बाद ये भी एक तरीके से वैसा सही हो जाएगा कि बार बार रिपीट वो फॉर्मूला होता रहेगा होता रहेगा, और एक तरीके से एग्जैजरेट उस चीज का भी एक पॉइंट आ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया अब। नहीं, ओटीटी देखिए, ओटीटी एक कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री के हिसाब से पहले लॉन्च हुआ है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ कोई सेंसरशिप नहीं है, मैं अपने हिसाब से सोच सकूं, अपने हिसाब से कंटेंट बना सकूं, मैं जी को मेरे को साला बोलने में बीप नहीं डालना पड़ेगा, मेरे को बीप बीप बोल बीप 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 ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक जी 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 है, और मेरे को मेरी मैं सोच के लेवल में जब मैं कहानी कहानी सोचना शुरू करता हूँ तभी तभी वो क्राइसिस तभी तभी से ही क्राइसिस ना शुरू हो जाए, अरे ये कहानी तो सोच ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं देंगे, ये तो कर ही राइट नहीं देंगे, अरे राइट नहीं ये नहीं पास होगा, तो ओटीटी उस लेवल पे रेवोल्यूशन लेके आया था, एक लिबरेशन था, एक चीजों की एक ये थी, हालांकि हमने उसका मिसयूज भी किया है राइट और बहुत बहुत क्योंकि अपॉर्चुनिटी से हमारा दुनिया भरा हुआ है, बिल्कुल जी सर हमको हमारा दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरा है, हमको कोई भी एक चीज दिखता है तो उसपे आप उसमें अपना ऑफकोर्स उसको खराब करने की हम कोशिश कर ही रहते हैं, लेकिन रिपीटेशन अगर आप आज अगर एक आदमी मिर्जापुर बनाए, अगर फिर सारे अगर 50 मिर्जापुर बनना शुरू होगा जी तो रिपीटेशन ही होगा, राइट राइट है ना, एक लगान हिट हो जाने से, ये हमारे हिंदुस्तान की दस्तूर है, ये कुछ नहीं कर सकते, एक लगान राइट हिट हो जाने के बाद 50 लगान बनाने की कोशिश करते, तो जी। एक दिल चाहता हिट हो जाने के बाद 50 चार पांच और दोस्तों की पिक्चरें शुरू बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल तो और तो ये क्या सोच की कंगाली है, तो जी हथौड़ा गरम है तो मतलब लोहा गरम है तो हथौड़ा मार दो कि इसी मार दो। ऐसी और एक पिक्चर और एक पिक्चर बना दो, लेकिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि वो पिक्चर बनाते हुए उस पिक्चर को करते हुए एक जद्दोजहद थी, एक अच्छी सी मौलिक कहानी लिखी गई है, तुम भी राइट भाई मेहनत करो, कुछ और करो, कुछ और लिखो, नहीं वो करना ही नहीं है, और वही सारी चीजें हैं, और आप मेन स्ट्रीम बंद जाने मेन स्ट्रीम धीरे 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 कमजोर हो जाने से, मेन स्ट्रीम ना चलने से जी लोगों का फुटफॉल हॉल में नहीं हो रहा है, तो
अब ओटीटी भी धीरे 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 क्या कर रहा है, वो कंटेंट छोड़ रहा है, जी वो कंटेंट छोड़ के फिर वही वायलेंस, ड्रग्स, बिल्कुल रोमांटिसिज्म, जी गाना वाना उनमें घुस रहा है, बिकॉज बिकॉज आप उनको फिर से इधर भी आके वही सब चीजें करना है, अब क्या हाँ करेंगे, बिकॉज बिकॉज नॉवेल्टी तो है नहीं किसी चीज की, जी ये जी पहले भी कभी सोच नहीं पाए, अभी भी नहीं सोच पाएंगे, राइट लेकिन हाँ लेकिन फिर वही सब हो जाएगा, क्या करेंगे। बट सर ऐसा मतलब आपको क्यों लगता है कि ये उस तरीके का एक एक नॉवल थिंकिंग रखने वाले की या एक अलग तरीके की स्टोरी सोचने वालों की कमी है या वो ऊपर तक आ ही नहीं पाते? प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे आपको लगती है? यार ऊपर ऊपर तक आ ही नहीं पाते, क्योंकि सबसे पहले आपको मीडिएटर्स बोल देते कि जो बोल देते कि यार ये तो चलेगी नहीं, हाँ वो जो गेट कीपर्स होते हैं हर जगह के हाँ गेट की बोल, यार ये तो चलेगी नहीं, जी अरे ये तो नहीं होगा, अरे इसको ये कैसे पास करेगा, हमारा गेट इतना छोटा है, इतना बड़ा बस कैसे जाएगा, तो गेट कीपर्स नहीं रोक देता है वो एक्चुअली, राइट और ये सालों साल से ही हुआ है, इसलिए तो ओटीटी एक लिबरेशन था, जो जहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, जहाँ जहाँ लोग बोलते थे अरे यार आज से 7 साल पहले तूने एक पिक्चर सुनाई थी, उस टाइम मैंने मना कर दिया था, आज है अब तेरे पास वो बनाते हैं पिक्चर, जी। तो क्योंकि क्या है बीच में हमने राइटर्स को छोड़ दिए थे, बिल्कुल मैं उसी टॉपिक पे आने वाला था सर जी, आप प्लीज। बीच में हमने राइटर्स को ही छोड़ दिए थे, बोले कि यार हम वन लाइनर पे काम करना शुरू किए थे, राइटर्स ही नहीं है, राइटर्स को लिखने नहीं दिया जा रहा है, राइट राइटर्स को भी धक्के सी कहानी कहनी पड़ रही है, कहानी में आप चेंज कर देते हो, कहानी में आप फिर बोलते कि अरे यार यार गाना डाल दो, तो राइट आप बिल्कुल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें कर रहे हो, आर्ट से दूर चले जाते हो, तो मतलब आप गाना बुरा नहीं है लेकिन उसकी भी एक जगह होनी चाहिए, मतलब वो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ कोहेसिव पार्ट ऑफ द फिल्म राइट एग्जैक्टली और स्टोरी, क्योंकि पहले जमाने में पहले जमाने गाने में भी नैरेटिव चलता था, राइट अब अचानक एक दौर आ गया तो गाना ही सिंपल गाना है, बस उसे गाना ही है, राइट 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 हाँ मतलब गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एक ऑनेस्टी तो हो कि या फिल्म बन रही है उसके अंदर गाना पार्ट है। बाहर के देशों में, म्यूजिकल एक अलग चीजें होती है, बिल्कुल दैट इज म्यूजिकल, जी और एक और होता है कि आपके पास गाना है लेकिन वो बैकग्राउंड स्कोर में बजता है, बसता है राइट। बिल्कुल और आपको लगता है इसी चीज की वजह से गाने और बहुत ज्यादा उस उन सब चीजों पे फोकस होने की वजह से हमारी जो यहाँ की फिल्में हैं वो बाहर भी फिर उतना वो नहीं कर पाती, उनको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती क्योंकि गाने बीच में हैं और उस स्टोरी टेलिंग का एक जो तरीका। स्टोरी 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 टेलिंग ही नहीं है ना, स्टोरी टेलिंग खत्म हो जाती है आपकी, राइट 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 स्टोरी खत्म हो जाती है आपको, आप उस धड़ल्ले सोचने लग जाते हैं, आज हीरो मतलब बहुत अच्छा इंसान है उसमें कोई बुराई नहीं है, और विलेन मतलब सिर्फ बुरा इंसान है उसमें कोई अच्छा ही नहीं है, कोई जो कि नुएंस है ही कम नहीं, मतलब जो सीधा एक्सट्रीम लेवल पे ही कि खींच दी खाके। जो कि मिथ है ना, जो कि कंप्लीट मिथ है, जो कि बिल्कुल है ही नहीं लाइफ में, राइट 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 और पूरा चीजें ही उल्टा है ना, कि टेररिस्ट आज कोई भी टेररिस्ट टेररिस्ट बन के नहीं घूमता है, राइट जो टेररिस्ट होता है वो व्हाइट कॉलर्स होते हैं, और हमारे में उल्टा है, हमारे लिए टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट दिखाना बहुत जरूरी है, जिसकी दाढ़ी होगी वो टेररिस्ट हो जाएगा, राइट 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 एक मतलब है सेट ना, पैटर्न तो बन गया है और उसी के हमारा हिसाब सेट, से हमारा सेट, चीजें हाँ लगातार। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब आप एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर में हिट होके दिखाओ, पूरी बिल्कुल लाइफ आपको पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर ही मिलता रहेगा, लेकिन राइट 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 तो सर आपने भी जैसे, है हाँ आपने भी जैसे कैरेक्टर प्ले किए हैं पुलिसमैन के, तो अब मतलब आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आपको कॉल्स आती हैं ऐसे बात है कि भाई होता कैरेक्टर। है मेरे को छोड़ना, होता है मेरे को छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि हाँ क्योंकि क्योंकि मैंने मैंने पहले डीएस पहले डीएसपी किया, राइट पहले मैंने जामताड़ा में एसएचओ किया, जी एसएचओ करने के बाद दैट इज वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, दिस इज डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर, राइट उसके बाद मैंने डीएसपी किया, दैट इज डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर, तो बिल्कुल मैंने दोनों को बिल्कुल अलग किया, बिकॉज एक ही वर्दी पहनने वाले दो इंसान अलग थोड़ी ना हो, एक जैसा थोड़ी ना होगा, अलग राइट होगा, राइट तो वर्दी का रंग एक होने से सारे पुलिस वाले एक जैसे थोड़ी ना एक होंगे, जैसे तो नहीं होंगे जी। तो वो मैंने ट्राई किया, लेकिन वो अभी बार बार अगर लोगों को ये लगता है कि अगर मैं यही करूंगा तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ता है कैरेक्टर को, बिल्कुल जी 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 सर
जी। और सर जैसे अभी हम एनएसडी की आपके बारे में बात कर रहे थे, तो आपने जब एनएसडी छोड़ा, मैं आपका एक इंटरव्यू चेक देख रहा था, उसमें आपने बोला कि वहां का पूरा जो एक माहौल था, या वो जो आपको फिर आपको पसंद आना बंद हो गया था वो एक टाइम के बाद में, कि रेफर टू रेपटायर में आप, हाँ कंपनी, रेपटी कंपनी में जो हाँ आप जॉब एनएसडी कर नहीं, रहे थे रेफर आप। टू कंपनी, हाँ और हाँ आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, आपने बोला कि एक टाइम के बाद में ना आपको वो एक कोई भी आर्टिस्ट के लिए वल्नरेबिलिटी जरूरी होती है, आपने बताया उस इंटरव्यू में, और आपने बोला कि पेट भरा हो और ये सारी चीजें अच्छी हो तो तब तो अय्याशी होती है बस, तब आर्ट नहीं बनता। आर्ट बनाने के लिए वल्नरेबिलिटी में एक इंसान को जाना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ना, हाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने ये बात बोली और मैं भी एक हद तक बहुत इसको बिलीव करता हूँ, लेकिन एक दूसरा भी एक पहलू चलता है कि आर्ट और क्राफ्ट बनाने के लिए जैसे एक इंसान का पेट फिर भी भरा तो होना चाहिए, उसको एक कंफर्टेबल लाइफ एटलीस्ट उसके पास में ऐसी होनी चाहिए कि वो इन सब चीजों के बारे में बात भी कर सके। आपको क्या लगता है कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसके बाद में कि इंसान को ये रहता है कि हाँ अब मैं अच्छे तरीके से अपने आप को आर्ट या किसी और मीडियम से एक्सप्रेस कर सकता हूँ बेहतर तरीके से बिना किसी डर के पीछे। और जब आपने भी वो चीज छोड़ी होगी वहां से, और जब आपने अगले वो रिस्क वाली टेरिटरी में जब आप एंटर किए होंगे, क्या उस टाइम पे माहौल था आपके आपके दिमाग में, और किस तरीके क्या थिंकिंग थी आपकी उस टाइम पे? नहीं देखिए, मैं मेरे कहने का मतलब है कि मैं रेपर्ट्री तो कर रेपर्ट्री इसलिए मैं कर रहा था बिकॉज रेपर्ट्री मुझे करनी थी, बिकॉज मुझे हिंदी रंगमंच में कुछ दिनों और काम करना था, मतलब प्रोफेशनली के लोग आए जी तो कुछ खरीद के बाकायदा और देखे परफॉर्मेंस, राइट तो इस तरीके से आपका आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि राइट आप नाउ यू आर अ प्रोफेशनल एक्टर, द पीपल जी आर कमिंग फॉर कमिंग टू सी यू, एंड राइट और आपका आपको और एक चीज जो है कि सिर्फ रेपर्टरी कंपनी ऐसे कंपनी आपको, थिएटर कंपनी आपको दे सकते हैं कि एक एक नाटक का 50 शो 100 शो, जी तो वो एक एक्टर के लिए भी बहुत बढ़िया चीज होता है कि आपकी ग्रोथ दिखता है, आप ग्रो करते हो, आपको धीरे 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 हर शो में आपको नजर आता है, ग्रोथ नजर आता है हर शो, डिफरेंस क्या है, फिर 25 शो के बाद अचानक आपको रियलाइजेशन आता है, अरे यार 25 शो के बाद तो अब मुझे ये कैरेक्टर समझ में आ रहा है, जी ये क्या है, क्या करना, क्या है राइटर, लिखा क्या है, क्योंकि राइट बड़े बड़े लिटरेचर को उठाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर उठाए हुए हैं अपने, गंदी भारती उठाए हुए हैं, चेकअप उठाए हुए हैं, यू नो यहाँ पर सत्र सात्र उठाया हुआ है, सो बड़े बड़े राइटर बेकर, सैमुअल बेकर उठाए हुए, शेक्सपियर उठाए हुए, तो आपको 25-50 शो के बाद तो आपको आंखें खुलती थी कि ओ नाउ आई अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, नाउ आई राइट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्ले, तो ये बहुत बड़ा एक ग्रोथ भी होता है, तो मैं रेपर्टरी कंपनी करना चाह रहा था, तो जी मैंने जान बूझ के रेपर्टरी कंपनी में, रेपर्टरी कंपनी गया और आई एंड रेपर्टरी कंपनी ने भी उस टाइम मुझे ले लिया था बिकॉज उनको उनको मैं भी चाहिए था, तो राइट वो उन्होंने मुझे ले लिया था, तो उसके बाद 3 साल बाद, जब 3 साल करने के बाद कुछ कुछ अपना ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काफी चेंजेस आ गए थे एनएसडी जी पट्टी कवर, जी जी तो जो बहुत ही सिचुएशन बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत खराब हो रहा था, मतलब इट्स अ डिटोरिएशन ऑफ समथिंग लाइक जी विच इज अ लेगेसी, राइट राइट तो हाँ, तो फिर मेरे को लगा कि यार इधर मैं जितनी देर तक रहूंगा उतनी देर तक मैं इन सब चीजों के बीच में ही पड़ा रहूंगा, सो आई नीड राइट टू गेट आउट ऑफ दिस एंड आई नीड टू सर्च माई ओन नीश नाउ, जिसके लिए मैं आया, मतलब कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, सो वो एक इनसिक्योरिटी नहीं, वो जज्बात है, मतलब वो इनसिक्योर लाइफ नहीं है, क्योंकि राइट लाइफ इज ऑलवेज इनसिक्योर, मतलब वो मैं उस टाइम भी, मतलब मैं सैलरी अगर जो ड्रॉ कर रहा था तो वो भी मैं 3 साल और 3 साल मैं एनएसजी रेपर्टरी कंपनी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में एनएसजी रेपर्टरी कंपनी एक एक्टर के लिए 6 साल मैक्सिमम ओके होता था, तो उसके बाद जो रहना चाहता था वो क्या करता था, वो 6 साल से पहले रेजिग्नेशन लेटर दे देता था, अच्छा उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेता था, ओके ओके जी यू गॉट द पॉइंट, सो एक राइट लूप राइट चलता था, तो मेरे को लूप में जाना भी नहीं था, जी तो मैं तो थोड़ा सा अच्छा कुछ काम करके निकलने ही वाला था, तो यही सारी चीजें थी, बट सर के एक मतलब कॉन्क्रीट प्लान तो नहीं होगा ना उस टाइम पे जब आप सोच रहे थे कि मैं चला जाता हूँ यहाँ से, तो मतलब यह था आपके पास में कि बाहर जाकर के आपके पास में कुछ नहीं प्रोजेक्ट्स थे कॉन्क्रीट या प्लान नहीं तो रहे होंगे? कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, तो कॉन्क्रीट प्लान तो होता ही नहीं, अगेन इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच,
राइट ओके प्लान क्या होगा, मतलब कॉन्क्रीट कोई तो, मतलब ऐसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो आपको प्लेसमेंट तो देता नहीं है, मतलब बिल्कुल जी किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। नेशनल कंपनी स्कूल ऑफ ड्रामा का मैक्सिमम प्लेसमेंट ही है कि आपको थिएटर, थिएटर इन टीआई कंपनी, थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, थिएटर इन टू टीआई कंपनी में आप जा सकते हो, आप रेपर्टरी कंपनी में जा सकते हो, आप एनएसजी का स्टाफ बन सकते हो, एनएसजी के डिफरेंट वर्कशॉप प्रोग्राम्स होते हैं, कभी मणिपुर में कभी केरला, वो आप वो अटेंड कर लो, जी उसका आप ले लो, आप आपको एनएसजी से एक सैलरी मिलती रहेगी। तो एनएसजी का उस तरीके से है, बिकॉज इट्स मदर इंस्टीट्यूशन, तो एनएसजी आपको, अगर आप एनएसजी के सामने जाके आप सरेंडर कर देते हो कि जी भाई मैं तो पास आउट होकर निकला लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा, तो राइट राइट एनएसजी आपको खाना पीना खिलाते रहेंगे। ओके 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 और फिर जब जैसे फिर मॉनसून वेडिंग आपके साथ में, जब मॉनसून वेडिंग में आपको काम मिला तो उस टाइम पे मीरा नायर से आपकी मतलब बात हुई थी, या मतलब क्या क्या कैसे उस प्रोजेक्ट में आप शामिल हुए थे? यह मॉनसून वेडिंग जब प्लान हो रही थी उस क्योंकि टाइम वो मैं शायद एक्चुअली, रणदीप रणदीप हुड्डा का भी वो पहले ही शायद फिल्म थी जहां तक मुझे हाँ याद हो। हाँ जी हाँ वो तो मतलब उस, वो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मामला नहीं था, अच्छा माँ ओके मेरे ओके लिए तो, अब तो जी मैं जी रणदीप को जानता ही नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं जानता उस टाइम, तो ओके 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 राइट मैं सिर्फ मीरा नायर को जानता था और हाँ किसी को नहीं जानता था उसको, और नसीम भाई को ऑफकोर्स जानता था। राइट और तो मैं एनएसजी रेपर्ट्री कंपनी छोड़ने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए कैलकाटा गया हुआ था ओके घर वालों को बताने के लिए कि आई एम डन विद रेपर्ट्री, आई एम डन विद दिल्ली, नाउ आई एम मूविंग टू बॉम्बे। सर घर पे तो क्या मैं मतलब घर पे क्या उसका वो था इफेक्ट था जब आपने बताया? घर में ही था, घर वाले हमेशा चाहते थे कि मैं कैलकाटा आ जाऊं, कैलकाटा आके मैं कुछ काम करूं, जी बिकॉज ऑफ कोर्स माँ बाप तो यही चाहता है कि बच्चा अपने पास रहे, घर में रहे। तो मैं राइट कुछ दिनों के लिए कलकत्ता गया था, लगभग 3 4 महीने 6 महीने में कलकत्ता में रहने की कोशिश की थी कि जी देखा था कि माहौल कैसा है। राइट मैं मुझे उतना एक्सेप्टेंस मिला नहीं कलकत्ता ओके ओके फ्रेंकली उस टाइम, तो मुझे लगा कि बिकॉज आई एम बंगाली, कलकत्ता में रहना मेरे लिए कंपल्शन थोड़ी ना होगा, मतलब मेरे बिल्कुल कलकत्ता के रह के मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्यों गया। मैं, मेरी मातृभाषा बंगाली है लेकिन मैं राष्ट्रभाषा हिंदी है, मैं उसमें राइट मैंने काम किया, वो बिल्कुल मैं वही मैं कर रहा था इतने दिनों तक। जी और मेरे जितने भी अभी जो 6 साल 7 साल से मेरे जो सर्कल बने, मेरे जो एलुमनाइज है, मेरे जो अल्मा मैटर्स है, मेरे जो सीनियर्स है, जी वो कैलकाटा में कोई भी नहीं है। राइट आई आई गॉट हार्डली एनी एवरीथिंग एवरीबडी इज देयर इन बॉम्बे और इन दिल्ली और इन बॉम्बे। तो राइट राइट मेरे लिए बॉम्बे वॉज मच मोर फिजिबल सिटी फॉर मी दैट जी टाइम, कि मैं मेरे बैच में इमीडिएट बैचमेट्स है, इमीडिएट सीनियर सीनियर्स है, मैं जी शाम को जाके बात कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ, मैं कहाँ जाना है भाई, क्या करना है बता दे यार। जी सो जी वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा ये था। तो घर वाले ने, घर आई टोल्ड यू कि माई फैमिली वॉज अ वेरी सपोर्टिव फैमिली ऑल द टाइम, राइट ऑलवेज राइट राइट ऑलवेज। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जा काम कर, हाँ तो फिर जब तो आप आ इधर गया। आ गए थे तो उसके बाद में आप वो बता रहे थे मॉनसून वेडिंग के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, तो मॉनसून वेडिंग एक्चुअली, मैं मॉनसून वेडिंग जब मैं वापस आया दिल्ली कलकत्ता से, तो जी आके देखा मेरे पास उस टाइम फोन वोन होते नहीं थे, तो जो एनएसजी के रिसेप्शन में प्रिसिला मैडम हुआ करती थी एक जमाने में, एक रिसेप्शनिस्ट थी, तो जी 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 उसमें उन्होंने मुझे बुला के, दिव्यांदू कम यार, तुम्हारे नाम पे एक चिट लिखा हुआ है, बहुत दिनों से एक फोन आ रहा है गजराज का तुम्हारे पास फोन। गजराज राव उस टाइम, दैट टाइम राइट He was assisting in the casting। फिर गजराज राव को फिर मैंने फोन किया, गजराज तो फिर मैंने बोला क्या क्या हुआ, बड़े यार तेरे को बहुत दिनों से फोन कर रहे हैं यार, तू जल्दी जा मीरा नायर की एड्रेस में जाके मिल। तो मैं गया तो देखा एक छोटा सा ऑडिशन हुआ, तो मीरा नायर को कास्ट कर लिया करेक्टर जी 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 की, बस राइट राइट बस। राइट और मतलब मैं अगेन मैं आप उसी एक इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं एक इंटरव्यू आपका देख रहा था, मुझे एक बात बहुत स्ट्राइकिंग लगी जब जो आपने बोली, और शायद वो हमेशा मेरे साथ मेरे दिमाग में वो बात हमेशा रहेगी। फरीदून सर के साथ में आपका इंटरव्यू था बॉलीवुड हंगामा में शायद, तो आपने वहां पे एक चीज बोली कि भाई मैं जो है ना मुंबई जब आया था या मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या उनसे कोई हाथ मिलाने के लिए
या उनके बंगले के बाहर खड़े रहने के लिए या उनके पैर छूने के लिए नहीं आया था, मैं उनके साथ में काम करने के लिए आया था। तो एक वो वाला एक होता नहीं कि हम किसी को पेडेस्टल पे रख देते हैं कि बिल्कुल ये तो भगवान है, आपके साथ में वैसा नहीं था। वो बात मैंने आपकी सुनी, और बहुत लोगों के साथ में सर ऐसा होता है आर्ट में या बाकी और लाइफ में भी, कि वो लोगों को इस तरीके से देखते हैं कि उनको बस ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर बस ऐसा सोचते हैं कि बस इनके साथ में तो खड़ा भी रहने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। लेकिन आपकी मैंने जब वो बात सुनी तो मेरे को ये चीज बड़ी स्ट्राइकिंग लगी कि मतलब एक इंसान है जो इस तरीके से बोल रहा है कि भाई कितने भी बड़े वो आर्टिस्ट हों, नो डिसरेस्पेक्ट टू देम, बट मैं इनके साथ में बराबरी, इनके सामने खड़े होकर के एक्टिंग करनी है मुझे, वो मेरा काम है। इस तरीके की एक सेंस ऑफ क्लैरिटी जो आपके अंदर है, क्या वो स्ट्रगल से आई है या वो इस चीज से आई है कि आपका आपकी आपकी क्राफ्ट के ऊपर आपकी जो पकड़ है और वो जो कॉन्फिडेंस है वो उस जगह से आ रहा है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सको। यार वो ये क्लैरिटी जो है, ये क्लैरिटी आपको लाइफ देती है। क्योंकि क्या है ना कि मैं कभी भी फर्स्ट मैं कभी भी आपको जिंदगी में बताता हूँ कि मैं जैसे कि फर्स्ट शो देखने वाला आदमी कभी भी नहीं था मैं लाइफ में, कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला, लाइन लगा फर्स्ट डे हाँ फर्स्ट शो वाला देखने वाला आदमी, आप लाइन लगा के आईफोन खरीदने वाला आदमी, राइट लाइन मैं राइट किसी भी चीज के लिए कभी भी लाइन नहीं लगाया लाइफ में। तो मैं नहीं लगाता, मैं बहुत लेजी इन मामलों में। राइट जी मेरे को लगता है कि यार मतलब फर्स्ट से फर्स्ट देख लेंगे लोग, फर्स्ट से फर्स्ट शो मुझे क्या करना है उस इंफॉर्मेशन का, लोगों के आके मोहल्ले में खड़े होके बोलूंगा मैंने मैं पहले फर्स्ट से देखा फर्स्ट शो देखा, पहले है देखा। अब मैंने मैंने क्या हासिल कर लिया उससे, राइट उससे मैंने क्या हासिल कर, मैं क्या हासिल कर लूंगा, मतलब मैं कभी वो था ही नहीं। मतलब कैलकाटा में भी 90 करके 90 रुपीज 90 पैसे का एक सीट हुआ करता था उस टाइम कलकत्ता में, 90 के लाइन लगते थे कि 90 जल्दी जल्दी भर जाते थे अच्छा लगभग। हाँ लगभग 100 100 के कई सीट्स होंगे 90 के, तो ओके 90 के पैसे नहीं होते थे, 90 पैसे के टिकट होते थे, तो 90 पैसे सीट उस रो में उस लाइन में खड़े होने के लिए लड़ाई चलती थी, मारते थे लोग। अच्छा तो मैं कभी लाइन में खड़े ही नहीं हुआ 90 में, मैंने क्यों खड़े होगा, मैं 90 के जगह मैं 15 20 15 20 पैसे और इकट्ठा करके 1 रुपया 20 पैसे के, 1 रुपया 25 पैसे के, 1.25 रुपया के टिकट होता था अपना मिडिल रो, मैं मिडिल रो राइट में बैठ जाऊंगा, 90 में क्यों बैठूंगा। वैसे ही सिनेमा मेरे को सामने से देखने को मिलेगा, मेरे को अच्छा राइट अच्छा नहीं लगेगा वो। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं था, मतलब कभी भी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बड़े बड़े दिग्गजों से रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल मैं कान पकड़ लेता हूँ, मैं नतजानू हो जाऊंगा उनके सामने, मतलब बहुत बहुत लेजेंड के साथ मैंने काम किया, लेजेंडों को देखा, मैं उनको पूछ सकता हूँ सब कुछ, ये कर सकता हूँ। लेकिन बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट मैं उनको देखने के लिए उनके बंगलों के सामने चला गया, हाथ हिला दिया और भी थोड़ा। मैं क्यों, मैं तो मैं मुझे हमेशा लगता है कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उस इंडस्ट्री में मैं कभी भी उनके साथ काम कर सकता हूँ, राइट जब मौका मिलेगा मैं और काम वैसे कर। भी सर जैसे आपने बोला कि फिर रिस्पेक्ट में और फ्लैटरी करने में फर्क तो बहुत होता ही है ना, आप रिस्पेक्ट की और होता बात है कर रहे हैं। बहुत, मैं जी तो रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी भी अगर वो कमरे में आ जाएंगे एक ही जी फिल्म में हम काम कर रहे हैं, मैं ऑफकोर्स उठ के खड़ा हो जाऊंगा, जी बिल्कुल ऑफकोर्स मेरा सर उनके सामने झुक सकता है, मैं उनके पैर टच भी कर सकता हूँ आपके पैर में, मतलब राइट सर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ लेकिन मैं आपका मतलब अब क्या बोलूँ, मैं आपका फैन हूँ ये बोलना भी अजीब लगता है कि मतलब हाँ ये लोग तो पूरा जिंदगी देख चुके हैं, मतलब लोग कि मैं तो मैं वो वाला वैसे इंसान हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम आई नो दैट आई एम इन द सेम इंडस्ट्री, कल कल मौका मिलेगा तो एक दूसरे के साथ एक स्क्रीन भी शेयर करेंगे। राइट 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 और सर जैसे आप बोल रहे हो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि फिर जब हम किसी को ऐसे बना देते हैं ना बिल्कुल, कि अलग ही उनका एक, मैं सर इरफान सर के साथ में इंटरव्यू कर रहा था, आपको पता होगा गुफ्तगू करके शो आता था राज्यसभा टीवी पे, इरफान सर में उनका, तो उनसे भी मैंने एक चीज सीखी है ये वाली, कि उन्होंने बताया कि सेलिब्रिटीज को हम कैसे मतलब ऊपर चढ़ा करके कर देते हैं इस तरीके से कि हम उनसे नॉर्मल एक इंसान के रूप में तो बात ही नहीं कर पाते। कहीं नहीं पाते। जो हाँ उनसे मिलता है वो असर मैं आपका बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी आपसे भी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे भी अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह बात ना करने की बजाय बिल्कुल अलग ही किसी जोन में चला जाऊं, तो आपको 2 मिनट में लग जाएगा कि मैं तो मतलब गप्पी मार रहा हूँ ना, मैं कहाँ मतलब हवाबाजी चल रही है एक तरीके से, तो ये अंदाजा तो वही सामने हाँ वाले को भी लग ही जाता है। एग्जैक्टली जी। और तो सर जैसे मान लीजिए जैसे आप फिर आपका ये बिहेवियर है या इस तरीके की आपकी थिंकिंग है, अगर तो जब आप अपने साथ वाले लोगों के साथ में काम करते होंगे या
ये थिंकिंग आपकी वहां भी दिखती होगी या होती होगी, उसकी वजह से कभी प्रॉब्लम होती है आपको? नहीं, मुझे 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 किसी और की लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसे मर्जी करे उनकी जिंदगी उनका एटीट्यूड है। नहीं, मतलब किसी बट और की तरफ से आपके लिए कुछ एक ऐसा बिहेवियर आता हो कि यार ये कैसी थिंकिंग है इस इंसान की ऐसे करके? नहीं, वो रखे वैसा, वो उनको अगर कुछ लगे उनको, क्योंकि इसमें तो मुझे तो कुछ बुराई लगती नहीं है, क्योंकि जी जी मैं तो ना तो किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, ना तो किसी को कुछ ये कर रहा हूँ। तो बिल्कुल बाकी आगे किसी को अगर कुछ लगे मेरे बारे में तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका। तो जी मैं जी बिकॉज जी अनो क्या ऐसे, आप एक दूसरे को देख के थोड़ी ना जीते, आप अपना लाइफ जीते हैं। राइट 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 मतलब आप किसी और की जिंदगी क्यों जियेंगे, आप खुद की जिंदगी जियेंगे, खुद की थाली में जितना खाना है उतना उतना खाना खाएंगे। तो राइट 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 सब कुछ आपका, मतलब आपके लिए, आपके लिए ऊपर वाले ने जो रखा है वो आपको मिलेगा। हाँ, मैं ये बात कर रहा था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि जब आप आए तो मैं लायक के वाले कैरेक्टर के बारे में बोल रहा था आपसे। मुझे याद है सर, हम वो क्रिमिनल जस्टिस देख रहे थे, मैं और मेरा दोस्त मिलकर के साथ में, हम साथ में ही फिल्में और मूवीज वगैरह देखते थे। तो पूरी सीरीज में ना, मतलब जब जब आपका कैरेक्टर आ रहा था, तब तब एक मतलब ऐसी बेचैनी सी हो जा, एक ऐसी अनइजीनेस हो जा रही थी ना अंदर, कि ऐसा लग रहा था कि अभी ये कुछ करेगा एक तरीके से। अगर इतना इविल वो कैरेक्टर था, इतना इविल वो कैरेक्टर था, और 1 मिनट को भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये शांति से कुछ कर लेगा या जो ये बोल रहा है वो ये करेगा। ऐसा वो कैरेक्टर का मतलब एक तरीके से क्या बोलूं, मतलब मैं वो कैरेक्टर इस तरीके का था, है ना? खौफ हाँ, ऐसा खौफ था उस कैरेक्टर का कि ऐसा लग रहा था था। बाहर अगर कोई ऐसा मिल गया या कभी अगर हमसे कुछ गलती हो गई हम जेल चले गए, और अगर ऐसा कैरेक्टर वहां मिल गया तो क्या हालत होगी। तो मैं सर आपसे ये जानना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे स्क्रिप्ट जब आपके पास में आई होगी तो वो कैरेक्टर का पूरा एक जो एनालिसिस है वो उस तरीके से लिखा हुआ था कि इस तरीके का कैरेक्टर है, या उसमें आपने कितना अपने एंड से उसमें डालने की कोशिश करी उस कैरेक्टर में? यार वो एक्चुअली वो कैरेक्टर जो उसके थोड़ी पीछे हल्के से कहानी है, मतलब कहानी ना सेंस, मतलब वो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर इतना बड़ा कैरेक्टर था नहीं, क्योंकि जिस टाइम मेरी कैरेक्टर कास्टिंग हुई थी वो शुरू शुरू के दिनों में, मतलब ओटीटी के दिनों में, तो राइट मेरी कास्टिंग हुई थी तो मैं कैरेक्टर करने गया था। तो बाद में पता चला कि ये कैरेक्टर का एक डेफिनेट एंड है, इसके बाद एक देयर विल बी अनदर कैरेक्टर हु विल कम अगेंस्ट जैकी श्रॉफ और द सेम कदकाठी और समथिंग, अगर वो ऐसा ही लंबा राइट चौड़ा। राइट बट इन बिटवीन आई थिंक दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग द दिस कैरेक्टर इन बिटवीन, दे उनको जी लगा के शायद, क्योंकि एक बार में बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यार बिकॉज यू आर लुकिंग क्वाइट मेनेसिंग, सो यू लुक के वी एक्चुअली ट्राइंग टू टेक यू योर कैरेक्टर फर्दर। राइट जी तो वैसा आगे वो कैरेक्टर बढ़ गया था, तो इनफैक्ट वो कैरेक्टर इतना इतना कुछ था नहीं उस कैरेक्टर के, जो बाद में काफी डेवलप हुआ है उसको। तो मैं भी जी करता गया, स्क्रिप्ट आती रही, लाइंस लिखते रहे, लिखते गए लोग, सिचुएशन जी बनते गए और मैं भी करता रहा, तो वैसे ही बन गया वो कैरेक्टर एक्चुअली उस राइट तरीके से। राइट तो जैसे आपके पास में ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जब आती है कोई फिल्में या वो, तो आप कितना मतलब ट्रस्ट करते हो स्क्रिप्ट के ऊपर कि कितना उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, और कितना आप अपने एंड से उसमें चेंज करने की कोशिश करते हो, और ये फ्रीडम आपको मतलब पूरे तरीके से मिलती है या किस तरीके से इसको बैलेंस आउट करते हो सर आप? फ्रीडम मतलब कैरेक्टर को मैं कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करता हूँ, कैरेक्टर को और भी ज्यादा अच्छी तरह से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके आई नेवर ओके ट्राई टू चेंज द कैरेक्टर। मैं कोई भी कैरेक्टर जो आता है, लिख के आता है, वो कैरेक्टर तो वही रहता है। जी 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 कैरेक्टर तो ओके राइटर ने जो लिख दिया है, जो डायरेक्टर जो चाहता है कैरेक्टर, जिसके लिए मेरी कास्टिंग हुई है, तो उस कैरेक्टर को मैं चेंज क्यों करना चाहूंगा। राइट 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 मैं उस कैरेक्टर को जितना बेहतर पकड़ पाऊंगा वो मेरे लिए मेरा काम है, तो उसको चेंज करना मेरा काम नहीं है। उसको बेहतर पकड़ के उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना मेरा काम है। तो उसके राइट लिए जितनी लिबर्टी लेना होता है, कोई लिबर्टी मैं उतने लिबर्टी ले लेता हूँ जितनी लिबर्टी मुझे मिलती है। राइटर के साथ इन्फॉर्मेशन, राइटर से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, डायरेक्टर से डायरेक्शन मिल जाता है। राइट 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 मतलब मैं वैसे इनपुट की बात कर रहा था कि अपने एंड से कैरेक्टर के अंदर इनपुट डालना, वो तो एक प्रोसेस लगातार चलती रहती है। वो तो इनपुट तो लगातार चलता रहता है, राइट राइट वो राइट तो इनपुट तो लगातार चलेगा। वो तो एक एक रिटन मटेरियल होता है और एक एग्जीक्यूटेड मटेरियल होता है, वो बहुत अलग होता है। मतलब
एक कलाकार जब एक चीज को करता है तो उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो जाता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चीजें करने लगता है। राइट राइट ओके। और सर जैसे एक्टिंग के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आपका मतलब आप किसी और चीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं क्या, जैसे लिखना हो या बाकी और चीजें हो, पोइट्री या इस तरीके से कोई और चीज? हाँ, मैं थोड़ा बहुत लिखने विखने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं खाना बनाता हूँ, मैं गाना गाना बजाना करता हूँ, मैं सुन पेंटिंग करता हूँ, करता रहता हूँ चीजें, मतलब घर गृहस्थी का काम भी करता रहता हूँ। राइट राइट। और फिल्में किस तरीके की देखना पसंद है सर आपको? ये मैं एज अ व्यूअर सिर्फ कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी कुछ भी कुछ भी अक्रॉस द जॉनर, ओके कुछ भी मतलब, चाहे मैं चाइल्ड चिल्ड्रंस फिल्म, कार्टून फिल्म, हॉरर फिल्म, इरोटिका, एक्शन थ्रिलर, कुछ भी, मतलब जो कोई राइट भी, अगर फिल्म अच्छी हो तो अच्छी हो तो मैं देखूंगा। मतलब हालांकि अभी अभी मैं थोड़ा सा एबिड वॉचर नहीं हूं, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, और इतना टाइम मिलता नहीं तो अभी मैं ट्राई करता हूँ कि जो जिस पिक्चर के बारे में मैं कुछ कुछ लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, उन लोगों के रिकमेंडेशन के मैं पिक्चर देखता हूँ। ओके। और ओटीटी वगैरह पे ही मतलब आप देखते रहते होंगे? ओटीटी वगैरह में ही देखता रहता हूँ, थिएटर्स में जाने का टाइम तो मिलता ही नहीं है। राइट। और मतलब सर कुछ अगर रेकमेंडेशंस की अगर मैं आपसे बात करूं, किसी को अगर मान लो बहुत बढ़िया सिनेमा अगर देखना है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ बता सको, दो चार कुछ ऐसी मूवीज जो ओटीटी पे या कहीं पे कोई देख ले। यार, मैं अभी भी सिनेमा के मामले में थोड़ा सा, मतलब उस तरीके से ही बिलीव करता हूँ कि आजकल के जेनरेशन के लोग पुराने जेनरेशन के पुराने स्टॉलवर्ट डायरेक्टर्स के तो फिल्म देखे नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मिल जाए तो सबसे पहले वो देख के, जेनरेशन को पहले वो देख लेना चाहिए, जितने जो भी बॉगमैन, फेली, ट्रूफो, गोदर, ब्रेसो, बुलुवेल, राइट। तकदीर, ऋत्विक घटक, अरविंदन, अदूर, ये सब तो पहले, तो ये सारी चीजें, कुरोसवा, ओजू, राइट तो राइट ये सब राइट। तो देख के खत्म करना ही चाहिए पहले जेनरेशन। ये उसके तो बाद मतलब ये ईरानियन तो फिल्म मतलब का, बेसिक अब्बास के इरानियन उसका फिल्म भी सर, मकबल मैं हुआ। सर मतलब आपने बिल्कुल वही बात टच कर दी। मैं पिछले दो इंटरव्यूज में और किसी से भी मैं बात करता हूँ ना, मैं इरानियन फिल्म्स के बारे में जरूर बात करता हूँ, स्पेशली अब्बास हाँ किरोस्तामी की। मैंने जब पहली बार मूवी देखी थी ना, द वेयर विंड विल कैरी अस, आपने अगर देखी हो, मतलब सर मेरा दिमाग खराब हो। मैं ये सोच रहा था कि ये मतलब मूवी में हो क्या रहा है। हमको तो मतलब जिस तरीके का सिनेमा की आदत पड़ी हुई है एज अ व्यूअर बहुत लंबे टाइम तक, वो ऐसे सिनेमा की है कि एक नंब डाउन कर देने वाला सिनेमा, या एक ऐसा सिनेमा जो कि एस्केपिस्ट सिनेमा हो कि बस जाओ मजे करो, दिमाग घर पे छोड़ दो। मैं भी वही कहता हूँ कि जो जेनरेशन अभी है, उस जेनरेशन को पहले ये वाली पिक्चरें, इन सब चीजों को देख के खत्म करना चाहिए। जैसे ईरानियन फिल्में का हुआ, मकबा, जैसे आप तुमने कहा था कि अब्बास किरोस्तामी है, वैसे मकमल वफ है, वैसे मकबल मफ, मदी भी है, तो मकबल ये मकबल जो मफ वही है ना, वो साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट मकबल जो, वफ, हाँ हाँ, राइट तो राइट जी मोहसिन मकबल वफ, तो राइट। ये सब सारी चीजें इनको भी देखना चाहिए। तो उसके बाद आज के लेजेंड्स तो है, आज के तारीख में ही बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स आ रहे हैं लेवल पे, तो वो भी है, तो उनको बाद उनको तो अभी तो देख अभी तो शुरू करो देखना। मतलब मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा लेजेंड को देखना चाहिए, क्लासिक्स मतलब क्लासिक से शुरू करें, फिर आज का तो चल ही रहा है। देखना चाहिए ना, सिटीजन केन देखना चाहिए, बस्टर कीटन देखना चाहिए, चार्ली चैपलिन देखना चाहिए। और आगे बाकी आगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है सर? कुछ सीरीज, टीवी सीरीज या कुछ है ऐसा पाइपलाइन में, कुछ ऐसा चल रहा है? चल रहा है अपना अंधे की सीजन 3 की शूटिंग चल रही है, जिसमें मैं डीएसपी प्ले करता हूँ। हाँ जी। महारानी सीजन 3 की शूटिंग चल रही है। राइट। तो यही सारी चीजें हैं जो चीजें जोड़ते हैं, चल रही है। राइट। मैं अभी सर कुछ देर पहले ही ना, मैं वो आप मूवी आपकी देखना शुरू हुआ था, जियो सिनेमा पे अभी आई है, वो किसी फोटोग्राफर के, घुसपैठ घुसपैठ, मैं घुसपैठ घुस, घुसपैठ हाँ मैं घुसपैठ वो देख रहा था। मैंने अभी थोड़ी इलीगल फोटोग्राफर इज अबाउट द इलीगल इमिग्रेंट्स लाइक एक दैट। मिग्रेंट, राइट राइट राइट। हाँ तो मैं उसी को सर अभी खत्म करूंगा, फिर शेयर करूंगा आपके साथ में एक्सपीरियंस प्लीज उसका प्लीज भी, प्लीज बताइए, प्लीज जरूर बताइए कैसा लगा। जी बिल्कुल सर, मैं शेयर करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, एंड यू आर आई मोस्ट होप कि मूवी वेलकम। बहुत आपकी बढ़िया जाए, मिशन रानीगंज।
और अच्छा सुरेश कौन बिल्कुल सा है? बिल्कुल, सब सब हर कोई देखे, बिकॉज हीरोइस्टिक फिल्म में हीरो बिल्कुल हमारे लाइफ के हीरो कम होते जा रहे, तो बिल्कुल सर देखने जी चाहिए। जी अच्छी थैंक बनी यू। है फिल्म, डायरेक्टर बहुत कमाल है, तो राइट राइट फिल्म देखनी चाहिए। और सारे बहुत अच्छा अंसम्बल कास्ट है, बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज कलाकार हैं, तो राइट राइट मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कोई सिनेमा में जाए और पिक्चर देखे और पिक्चर को कामयाब बने। थैंक बिल्कुल। मैं भी सर, मैं भी। थैंक यू सो मच सर, आई होप अच्छा लगा आपको बात करके, यू, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सर। बहुत मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक गॉड यू, ब्लेस, बाय। गॉड ब्लेस, बाय बाय।